नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। डीएम कौशल कुमार ने कार्यालय बेस्म में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मीडिया को बताया कि शाम 6 बजे तक 62.4% मतदान हुई है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले भर में एक जगह गोपालपुर सीरे में कुछ लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर मतदान नहीं किया। कहा कि गोपालपुर सीरे के उक्त मतदान केंद्र संख्या 211 पर फिर भी 6 लोगों ने मतदान किया है, इस कारण इसे बहिष्कार नहीं किया जा सकता। बाकी सब जगहों पर ठीक ठाक रहा। इस मौके पर एसपी शैशव यादव ने कहा कि जिले भर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ, पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान का व्यापक प्रभाव रहा, कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। कौशल कुमार और शैशव यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। चुनाव सुपौल लोकसभा का पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुई है। जो भी शिकायतें प्राप्त हुई थी उसको हमारे कंट्रोल रूम से उसको एड्रेस किया गया। जो मॉकपोल की अवधि होती है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, उस अवधि में 8 बैलेट यूनिट, 14 कंट्रोल यूनिट और 11 वीवीपैट चेंज हुआ, इंक्लूडिंग सिंहेश्वर। और आफ्टर पॉल 7 बजे के बाद जब पॉल शुरू हो गया तो उस दौरान 4 बैलेट यूनिट, 4 कंट्रोल यूनिट और 18 वीवीपैट चेंज हुए। तो ये जो चेंज हुआ है ये कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि लास्ट 2 फेजेस में काफ़ी गर्मी थी तो उसमें वीवीपैट में कुछ एरर आते थे। इस बार क्योंकि मौसम अनुकूल था इसलिए चेंज बहुत कम ही जगह हुआ। और पूरे ज़िले में जो VTR हम लोग अभी लाए हैं, जो इकट्ठा किए हैं, वो करीब 62.4% है, 62.4% इंक्लूडिंग सिंहेश्वर। और अभी ये डेटा और में भी अभी लोग प्रिसाइडिंग अपना बक्सा जमा करने आएंगे तो उनके पास जो एक्चुअल जो 17 सीकर रहेगा वो हम लोग VTR एंट्री करेंगे, तो मे बी एट 10-11 बजे हम लोग के एक्चुअल VTR हम लोग को प्राप्त हो। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, सभी थानों में मोटरसाइकिल दस्ता का गठन किया गया था जो कि क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसके अलावा 5 क्यूआरटी का गठन किया गया था चारों अनुमंडल में और एक मुख्यालय में। 151 लोगों के विरुद्ध CCA 3 के तहत हम लोग कार्रवाई किए थे, जिसका काफ़ी अच्छा असर हम लोग को चुनाव में दिखा। प्रिवेंटिव डिटेंशन 46 व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया है, उनको कस्टडी में लिया गया था और जिले में कहीं पर भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी है और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव सम्पन्न हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।